देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ये बनी का शेप बनाने जा रही हूँ, मैं दिखाने जा रही हूँ आपको किस तरह से बनाते हैं। चलिए फिर इसको देखते हैं। देखिए मैंने 82 फंदे डाली हैं, 82 फंदे, और इसको फिर सीधा सीधा बनाते हुए गई हूँ। अब मैंने 10 सलाइयाँ बना ली हैं इसके बाद, ठीक है। अब बॉर्डर मैंने कितना बनाया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका देखिए करीबन 1.5 इंच के आसपास, मैंने थोड़ा सा कम है, मैंने बॉर्डर बनाया है। 12 सलाइयाँ मैंने बनाई हैं टोटल। अब 10 नंबर की मैंने इसमें सलाइयाँ यूज की हैं, और वर्धमान की मैंने यहाँ पे जो बेबी वूल होती है वो यूज की है, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ बॉर्डर बनने के बाद मैं बिना फंदे बढ़ाए इधर से सीधा और इधर से उल्टा बनाते हुए गई हूँ, और मैंने 10 सलाइयाँ बना ली हैं, और मैं हूँ यहाँ पे 11वीं सिलाई पे। तो अब देखिए बनेगा तो ये बैक और फ्रंट सेम, लेकिन बस मैं सोच रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक डिज़ाइन डालूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बीच में डिज़ाइन डालना बताऊंगी। मैं एक बनी का शेप दे रही हूँ, बनी का फिगर बनाऊंगी, क्योंकि मैंने लास्ट एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने डंगरी बनाया था, तो वो काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद किया। इसमें मैंने एक रैबिट डाला था, तो उसी तरह से मैं एक बनी फेस बनाने वाली हूँ। तो देखिएगा वो किस तरह से, मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा बना रही हूँ मैं। देखिएगा मैं ये वाला बनी बना रही हूँ, ठीक है। अब इसको रीड करना मैंने बताया हुआ है कि इसको किस तरह से रीड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो बनी बना हुआ है सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम नीचे से चल रहे हैं यहाँ पे बनाते हुए। इस जगह पे सबसे नीचे हमारे ये जो ब्लैक खाने हुए हैं, ब्लैक खाने वो कितने हैं वो काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना, तो 8 फंदे हम सेंटर में, हमारे पास जितने भी फंदे हैं यहाँ टोटल सिलाई पे जितने भी, उसमें 8 फंदे हम सेंटर में रखेंगे। तो जिस कलर का भी हम बनाएंगे, मैं अपोजिट कलर, ये कलर व्हाइट ले रही हूँ, और बीच में मैं देखिए ब्लैक या रेड डालूंगी जो भी। तो 8 फंदे हम बीच में रखेंगे, और इधर उधर जितने भी फंदे होंगे, देखो यहाँ ये हमारा जो बेस कलर है वो आ रहा है, ठीक है। जितने भी ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स बने हुए हैं, ये हमारा जिस कलर से हम इसे डालना चाहेंगे ये वो कलर है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे, मेरे पास टोटल 82 फंदे हैं। 82 फंदे में मैं यहाँ पे देखिएगा 30 डिवाइड करती हूँ, अगर मैं इसको 8 फंदे बीच में छोड़ के, तो मेरे पास 37 यहाँ पे आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे देखिए बनाया है, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 28 30 32 34 36 और 21 37, 37 इधर लूंगी और 37 इधर रखूंगी, तो बीच में मेरे पास यहाँ पे 8 फंदे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो अब देखिएगा यहाँ पे ये 8 फंदे जो हैं, सॉरी 8 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे मैंने ब्लैक से बनाए हैं, और बाकी के जब मैंने डिवाइड किया तो 37 फंदे मेरे पास यहाँ आए। तो अब देखिए मैं यहाँ पे बाकी के 8 फंदे ब्लैक से बनाऊंगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे दो गोले चलाऊंगी, एक इस साइड व्हाइट और एक इस साइड, क्योंकि ये बीच में जो इतना बड़ा पैटर्न है, ये बीच में अगर मैं यहाँ से व्हाइट खींच के यहाँ तक लाऊंगी तो झोल पा जाएगा। तो यहाँ पे एक गोला चलाऊंगी, एक गोला इस तरफ का एरिया जो व्हाइट कलर का है बुनने के लिए, एक गोला इधर और एक गोला इधर, ठीक है। और ये ब्लैक कलर से बीच में चलाऊंगी। तो देखिए 8 फंदे मैं यहाँ पे इसमें ब्लैक कलर से बुन लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लैक कलर डाल रही हूँ, कोई भी कलर आप इसमें डाल सकते हैं। देखिएगा इस तरह से, सीधा सीधा बनाऊंगी मैं, जस्ट 8 फंदे मैं ब्लैक कलर से बनाऊंगी। 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 फंदे ब्लैक कलर से बनाने के बाद अभी तो मैं यहाँ पे ये व्हाइट कलर यही वाला इस तरफ कर लूंगी इसको, ठीक है। बाकी के सभी फंदे जितने भी हमारे पास है पैटर्न के बाद, ठीक है, वो मैं इसी तरह से बना दूंगी। देखिए ये मैंने बना लिया 8 फंदे, ठीक है। अब ये हमने पैटर्न की फर्स्ट लाइन रीड कर ली है, मैं आपको स्टार्टिंग में रीड करना बता रही हूँ, फिर बाद में आप अपने आप कीजिएगा। देखिए पैटर्न की मैंने फर्स्ट लाइन रीड कर ली है, अब इस तरफ से हम चल रहे हैं, देखिए इस तरफ से। अब हम सेकंड लाइन, ये जो सेकंड डॉट है ये
अब हम इस तरफ से चलेंगे उल्टी साइड से, ये डिजाइन दोनों तरफ से डलेगा और यहां से लेके पूरा लास्ट तक ये जो पैटर्न है 60 सलाइयों का है। अब हम ये सेकेंड रो में इस तरफ से चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो जहां हमने ये 8वां फंदा बनाया है उससे 2 फंदे पहले वाले फंदे पे हम ब्लैक बनाएंगे, इससे पहले हम सफेद बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा अब हम उल्टी साइड से आ गए, उल्टी साइड से पढ़ेंगे पैटर्न को। तो यहां से जस्ट ये 8 फंदे का लास्ट में जो 8वां फंदा है इससे 2 फंदे पहले हम ब्लैक बनाएंगे, मतलब यहां तक मैं व्हाइट से बनाऊंगी इसको उल्टा उल्टा। ये देखो आ गए हम यहां पे। अब देखो ये हमने ब्लैक कलर का बनाया है, इससे पहले के 2 फंदे को हम ब्लैक बनाएंगे और कहां तक बनाएंगे ये देखिएगा। देखिए यहां पे पैटर्न, ये देखिए ये हमारी सेकंड रो है ये वाली, इस ब्लैक से पहले 2 फंदे हम ब्लैक बनाएंगे, उसके बाद सभी फंदे यहां तक ब्लैक बनाएंगे, और ये जो हमने पहला फंदा बनाया था ब्लैक से इससे आगे भी हम 2 फंदे ब्लैक बनाएंगे, यानी कि इसमें हमने 10 8 फंदे ब्लैक बनाए, इसमें हम 10 फंदे ब्लैक बनाएंगे, बाकी सभी व्हाइट बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने एंड किया था 8वां फंदा है, अब ये इससे पहले हम ब्लैक बनाएंगे, तो इसको हम धागे को इस तरफ करके इसको नीचे से निकालेंगे, देखिए जिससे कि यहाँ पे लूज ना हो, ये देखिए 1 2 टोटल 10 फंदे बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 2 फंदे इस साइड के हो गए 12, 8 बीच के, 2 2 इस साइड के, ठीक है। इसको थोड़ा टाइट कर देंगे। अब यहां पे मैं एक गोला और लगा लूंगी व्हाइट कलर का, क्योंकि देखिए यहां पे मैं इतना खींचूंगी तो यहाँ झोल आ जाएगी, ठीक है। मैं यहीं से दूसरा व्हाइट कलर ऐड कर दूंगी, इसको इस तरफ से लाके ये देखिए सभी फंदे हम व्हाइट से बना लेंगे बाकी। देखिए सेकंड लाइन जो है हमने कंप्लीट कर ली है, अब थर्ड लाइन देखिएगा। इसी तरह से आप कोई भी फिगर बना सकते हैं, कोई भी फिगर अपना, देखिए इस तरह से ये आया है। ठीक है, अब थर्ड लाइन देखेंगे, थर्ड लाइन हमारी सीधी तरफ से है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे, मैं बहुत नज़दीक से दिखाती हूँ आपको, 1 2 ये 2 लाइन बना ली। अब तीसरी लाइन देखिए यहाँ से स्टार्ट है। अब जहाँ हमने सेकंड लाइन में ब्लैक कलर छोड़ा है, यानी कि 12वां फंदा, उससे पहले देखेंगे 1, इससे पहले थर्ड लाइन में, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर बनाने हैं, 12 फंदे के ऊपर 12 फंदे बनाने हैं, उसके बीच में हमें एक वाइट फंदा बनाना है, उससे पहले हमें 2 फंदे ब्लैक बनाने हैं। तो यानी कि 3 फंदे तक, 12 फंदे, 12 13 14 15, मतलब यहां तक मैं व्हाइट बना के लाती हूं, ठीक है, 3 फंदे से पहले तक। देखिएगा वो मेरे जितने मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं साइडों के स्वेटर में फंदे, ये वो वाले फंदे हैं। अब देखिए यहां पे ये देखिए थर्ड लाइन में ब्लैक के बगल में व्हाइट लेना है और फिर 2 ब्लैक, यहां हमने ब्लैक बनाया था, अब इसकी ये हमें व्हाइट फंदा लेना है, ये 2 फंदे हमें ब्लैक से लेने हैं, ठीक है। देखो इसको हम देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट में इसको और नजदीक कर लेती हूँ। अब देखिए जब हम ये ले धागा चेंज करते हैं, तो देखिए ब्लैक जो यहाँ पे है इसको हम इस तरफ करेंगे और व्हाइट फंदे को हम इसके ऊपर से देखिए इस तरह से क्रॉस कराएंगे, जिससे कि यहाँ पे एक जाली ना पड़े, ठीक है। सॉरी हमें ब्लैक कलर से लेना है ना, हाँ ब्लैक कलर, इस तरह से नीचे से निकालेंगे, ये देखिए देखिए 1 2,
ये दो फंदे मैंने ब्लैक से लिए, अब ये एक फंदा मैं व्हाइट से बनाऊंगी। यहाँ पे ये देखिए, अगेन ये सभी फंदे ब्लैक से बनेंगे, फिर एक व्हाइट से, फिर दो ब्लैक से, ठीक है। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। देखिए अब सेम इसी तरह से करेंगे यहां पर। यहाँ फंदा थोड़ा सा सेट बाद में सेट हो जाएगा बनेगा तो। अब एक फंदा व्हाइट लेंगे, फिर दो ब्लैक लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो व्हाइट धागा है हमारे पास, इसे हम इस तरफ से निकालेंगे, एक फंदा व्हाइट, अगेन इसको ऊपर से रखेंगे और दो फंदे ब्लैक, वन टू, ठीक है। अब बाकी के सभी फंदे हम व्हाइट से ही बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए सीधी सिलाई बनाने के बाद, ये पूरी सीधी सिलाई बना ली, अब हम उल्टी साइड आ जाएंगे चौथी सिलाई पे। चौथी सिलाई पे देखिएगा पैटर्न पढ़ते हैं हम, रीड करते हैं, जूम करती हूँ। देखिए वन टू और थ्री हम बना चुके। अब देखिए फोर्थ में सभी ब्लैक हैं, जहां पर हमने ये दो ब्लैक लिए उससे एक पहले ब्लैक, इस तरफ आएंगे तो देखिए वन टू थ्री फोर, इससे एक पहले ब्लैक, ठीक है। तो सभी खाने जो है हमें ब्लैक लेने होंगे, देखिए इस तरह से। अब देखिए जहां ये ब्लैक है उससे एक पहले वाला ब्लैक लेना है आपने, और सभी ब्लैक लेते जाना है, ठीक है। जहां जहां तक ब्लैक वाले फंदे हैं सभी ब्लैक फंदे ही बुनने, ये व्हाइट वाले फंदे को भी आपने ब्लैक बुनना है, और उसके बाद भी एक फंदा आगे बुनना है। मैं आपको दिखा देती हूँ आपको सामने करके। और अगर आपको इसका निटिंग में पैटर्न चाहिए तो मेरा जो पेज है इजी निटिंग क्लासेस के नाम से, आप उस पे मैं इसको डाल दूंगी, आप मेरे उस पेज पे देख लीजिएगा, उसका फोटो डाल दूंगी, आप वहां पर रिटर्न में इसको ले सकते हैं। ये देखिए व्हाइट वाले को भी हम इस तरह से बुन लेंगे, इन दोनों ब्लैक्स को भी ये बुन लेंगे, और एक वाला जो एक जो ब्लैक है ये नेक्स्ट, इसको भी हम इसी तरह से बुनेंगे। ये देखिए अगेन सभी फंदों को हम व्हाइट से बुन लेंगे, देखिए इस तरह से। ये देखिए यहां से उल्टी सिलाई पूरी कर ली हमने चौथी। अब ये पांचवी सिलाई पे हम आ गए हैं। अब पांचवी रो मैं आपको बता देती हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको बार बार ये फोटो दिखा के पैटर्न रीड करना नहीं बताऊंगी, पैटर्न रीड करना मैंने सिखा दिया है, उसके बाद मैं अब जस्ट आपको डिजाइन डालती हुई जाऊंगी। तो देखिए वन टू थ्री फोर और फाइव रो देखिए, जहां तक हमने यहाँ ब्लैक बना उससे एक फंदा पहले, और देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, जहां ये ब्लैक बना है उससे एक फंदा पहले तक, सभी फंदों को हम ब्लैक बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको जस्ट ये बताऊंगी पैटर्न, आप एक एक फंदा और एक एक सिलाई को ध्यान से देखिएगा, आपका पैटर्न बहुत अच्छा डलेगा, क्योंकि बार बार बहुत वीडियो लंबी हो जाती है बार बार फोटो दिखाने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे हम ब्लैक लगाएंगे, इसको इस तरह से, ब्लैक कहाँ है धागा, यस, सभी फंदों को ब्लैक बना लूंगी। स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, पूरा देखिएगा, एक भी सलाई और एक भी फंदा स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए ये वाला व्हाइट भी हम इस तरह से बोल लेंगे। और यहीं तक बताऊंगी जहां तक हमारा पैटर्न है, उसके बाद के जो व्हाइट वाले फंदे हैं, इस पैटर्न के बाहर के जो फंदे हैं वो हमारे पास जो भी स्वेटर के फंदे हैं हमें वो लेने हैं, ठीक है। ये मैं पूरा नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि वीडियो बहुत 1-1.5 घंटे की हो जाती है, फिर वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता है इसको, तो इसको मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर पैटर्न की नेक्स्ट लाइन तक आ जाती हूँ।
देखिए रॉन्ग साइड से आ गई हूँ मैं। अब यहाँ पे कोई फंदा आगे नहीं घटाना, जस्ट जितने फंदे हैं हमारे पास 22 ब्लैक फंदे हैं, जस्ट ब्लैक के ऊपर हमें ब्लैक ही बनाते जाना है, ठीक है। एक ये वाली सिलाई बनानी है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक दो हो जाएंगी, और उसके बाद दो सिलाइयाँ सेम ऐसी ही और बनानी है। देखिए मैं आपको जो हमने इससे पहले वाली सिलाई बनाई है सेम उसके ऊपर ही बनाते हुए जाना है। हमारे पास ये 22 फंदे आ गए हैं ब्लैक के, तो इस सिलाई में भी 22 फंदे होंगे और अगली सिलाई में भी ब्लैक के 22 फंदे, फिर उल्टी सिलाई में भी, ठीक है। ये देखिए बस ब्लैक के ऊपर ब्लैक, ये दो सिलाई हो गई, ठीक है हमारी। अब सेम ऐसी दो सिलाई और बनाऊंगी मैं। सीधी साइड से भी ब्लैक फंदे ब्लैक बुनेंगे, फिर उल्टी साइड से भी ब्लैक फंदे ब्लैक बुनेंगे। पहले ये दो सिलाइयां निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। अब देखिए ये जो दो सिलाइयां हैं मैंने निकाल ली हैं, यानी कि टोटल ये सेम 22 फंदों पे चार सिलाइयां मैंने बना ली, ठीक है, ब्लैक कलर से। अब मैं 10वीं सिलाई, सॉरी 9वीं सिलाई पे हूँ अपनी। 8 सिलाइयाँ मेरी बन गई। देखिए वाइट से लेंगे इस तरह से, फिर ये एक फंदे को हम वाइट ले लेंगे, उसके बाद के सभी फंदों को हम ब्लैक लेंगे। ये जो ब्लैक फंदा है इसे भी हम व्हाइट बुनेंगे, क्योंकि इधर भी हमने व्हाइट बुना है और इधर भी हम इसे व्हाइट बुनेंगे। सभी फंदों को व्हाइट बना लेंगे। अब देखिए 10वीं सिलाई है, रॉन्ग साइड से आ गए, व्हाइट के ऊपर व्हाइट लेंगे। इसके बाद ये जो ब्लैक है दो, इसके ऊपर भी, यहाँ पे हमने एक ब्लैक पे व्हाइट लिया, अब हम यहाँ पे दो ब्लैक पे व्हाइट ले लेंगे। ये देखिए ऐसा ही हम लास्ट में करेंगे, बाकी के सभी फंदों को हम ब्लैक बनाएंगे। लेकिन जहाँ पे ब्लैक खत्म होंगे वहाँ पे दो पहले व्हाइट बना देंगे। ये देखिए देखिए 16 फंदे मैंने ये यहाँ पे ब्लैक बनाए, अब इन पे मैं वाइट बना दूंगी। इसके बाद पूरी सिलाई उल्टी बना लूंगी, और जैसे हमने ये बनाए हैं, देखिए 16 फंदे ब्लैक बनाए हैं, अब बाकी के तीन सिलाइयां और, मतलब इधर से सीधा, फिर इधर से उल्टा, फिर इधर से सीधा, सेम ऐसे ही बनाती हुई आऊंगी मैं, ठीक है। ब्लैक के ऊपर ब्लैक, व्हाइट के ऊपर व्हाइट, तीन सिलाइयां मैं सेम ऐसी ही बना लूंगी जैसी मैंने ये 10वीं सिलाई बनाई है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फिर आप कमेंट करते हैं ये समझ में नहीं आया, ये कैसे बनाया, वो कैसे बना, पूरी चीज में हर बार डिटेल में बता रही हूँ। इसके बाद की जो 11वीं सिलाई होगी सेम ऐसी ही बनेगी जैसी 10वीं बनाई है, 12वीं भी सेम 10वीं की तरह, 13 सेम 10वीं की तरह बनेगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये है हमारी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वीं सिलाई हमने बनाई है ये वाली। अब ऐसी जस्ट इसके ऊपर 1 2 3 11 12 13 सेम सिलाइयां बनेंगी, सेम इधर से 11 12 13, ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने ये चार सिलाइयां बना ली हैं, ये 16 16 फंदे पे काले कलर से 16 फंदे बुनने थे, सेम ऐसे ही चार सिलाइयां बना ली। अब मैं यहाँ पे 13वीं सिलाई, ये है मेरी, अब मैं रॉन्ग साइड से हूँ, और ये मेरी 14वीं सिलाई है, 13 सिलाइयाँ तक हो गई, 14th रो है। 14th रो पे देखिए क्या करेंगे, देखिए ये व्हाइट कलर से बुनेंगे, उसके बाद एक ये ब्लैक कलर वाला भी व्हाइट से बुनेंगे, ये वाला, ठीक है।
उसके बाद बाकी के फंदे हम ब्लैक कलर से बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखिए 14 फंदे मैंने यहाँ ब्लैक कलर से बुने, एक फंदा इधर व्हाइट से बुन लिया। अब ये भी मैं व्हाइट से ही बुनूंगी, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने ये 14वीं सलाई 14 फंदों के साथ बनाई है, ठीक है, उसी तरह से मैं दो सलाइयां और सेम ऐसी ही बना लूंगी, ठीक है। एक फ्रंट साइड से इसे मैं पूरी बना के, अब देखिए ये फ्रंट साइड से बनाऊंगी मैं, यहां तक बनाती हुई आऊंगी, व्हाइट के ऊपर व्हाइट और ब्लैक के ऊपर ब्लैक, फिर रॉन्ग साइड से व्हाइट के ऊपर व्हाइट और ब्लैक के ऊपर ब्लैक। यानी कि एक तो मैंने बना ली, अब दो सलाइयां मैं सेम और बना लूंगी। देखिए इस तरह से आ रहा है ये पैटर्न कुछ। अब देखिए यहां से मैं फ्रंट साइड से हूं, 17th रो पे 14 फंदों के साथ मैंने यहाँ पे 3 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब 17वीं सिलाई है मेरी, यहाँ तक तो मैं आ गई बना के। अब देखिए ये ब्लैक वाले फंदे पे मैं व्हाइट वाला फंदा ले लूँगी। अब ब्लैक धागे को मैं इस तरफ लाऊंगी, अब बाकी के फंदों को मैं ब्लैक बना लूंगी। यानी कि मैं टोटल 12 फंदे ब्लैक बना लूंगी। देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 12 फंदे ब्लैक बनाए, इसको मैंने व्हाइट बनाया। अब ये जो मैंने 12 फंदे ब्लैक बनाए और ये जो मैंने 17वीं सिलाई बनाई, ठीक है, सेम ऐसी ही मुझे 18वीं सिलाई बनानी है, ठीक है। सेम ऐसी रॉन्ग साइड से बनाना है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक और व्हाइट के ऊपर व्हाइट। अब ये देखिए यहाँ पे मैं 19वीं सिलाई पे आ गई हूँ, ठीक है। 18वीं सिलाई मैंने सेम ऐसी बना ली, 19वीं सिलाई देखिए यहाँ तक आ गई बनाते हुए, इसे भी व्हाइट ले लूंगी और एक ये ब्लैक फंदा है इसे भी मैं व्हाइट ले लूंगी, ठीक है। बाकी के 10 फंदे बनाऊंगी मैं, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए इस पे भी मैं व्हाइट ले लूंगी, बाकी सभी फंदे व्हाइट ले लूंगी। अब देखिए रॉन्ग साइड से आ गए, शायद ये हमारी 20 रो है, 20वीं सलाई। यहाँ देखिए हमने 2, 4, 6, 8, 10 फंदे ब्लैक से बनाए थे, अब हम 8 फंदे ब्लैक से बनाएंगे। एक इधर कम करेंगे, एक इधर कम करेंगे। देखिए इसको हम व्हाइट से बुन लेंगे, ब्लैक को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बाकी इसको हम व्हाइट से बनाएंगे और बाकी के फंदे भी हम सभी व्हाइट से बना लेंगे। अब देखिए ये हमारी 21वीं सिलाई है, 21 रो, तो व्हाइट के ऊपर, सॉरी ये, अब देखिए यहाँ पे 21वीं रो में हमने, यहाँ देखिए 20वीं सिलाई पे हमने 8 फंदे बनाए थे, 2, 4, 6, 8। अब हम दो इधर बढ़ाएंगे, दो इधर बढ़ाएंगे ब्लैक से, यानी कि 12 फंदे बनाएंगे। ये जो दो व्हाइट फंदे दिख रहे हैं इनको हम ब्लैक से बना लेंगे। अब 1, 2, बाकी के ये 8 फंदे भी हम ब्लैक से बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14।
एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ठीक है। अब बाकी के फंदे हम व्हाइट से बना लेंगे। अब देखिए 22वीं सिलाई पे हूँ, यहाँ पे मैंने फंदे बनाए थे 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब हम इस पे 14 बनाएंगे, एक फंदा इधर ब्लैक बनाएंगे, एक फंदा इधर ब्लैक बनाएंगे, है ना। तो देखिए ये जो व्हाइट फंदा है इसको हम ब्लैक बना लेंगे, बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बाकी के सभी फंदों को वाइट बना लेंगे और फ्रंट साइड से भी यहाँ तक वाइट बनाती हुई आ जाऊंगी मैं। और सेम यही 14 फंदों पर 14 ब्लैक और बाकी के सभी वाइट बुनते हुए मैं फ्रंट साइड से भी सेम सिलाई बना लूंगी, ठीक है। इसके बाद की सिलाई भी सेम बनाऊंगी, मतलब कि ये 22वीं सिलाई है, 23वीं सिलाई भी मैं सेम इसी तरह से बनाऊंगी। अब देखिए रो नंबर 24 पे हूँ, तो एक एक फंदा मैं यहाँ पे फिर से ब्लैक बढ़ा दूंगी। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब हम 16 फंदे बुनेंगे ब्लैक, ठीक है। तो 22 और 23 रो नंबर सेम थी, 22 और 23 सेम बनानी थी, 14 फंदे ब्लैक बाकी के वाइट। अब हम 24 रोज पे हैं, 24वीं सिलाई पे, तो देखिए यहाँ पे सॉरी इसको मैं वाइट से ही बुनूंगी अभी, तो अब इस वाइट को ब्लैक से बुनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक और ब्लैक 16। अब व्हाइट फंदे यूज करेंगे हम। अब देखिएगा इसमें क्या करना है, बता देती हूँ थोड़ा सा मैं आपको, फिर आप बना लीजिएगा। अब देखिए ये मैंने 24वीं सिलाई 16 फंदे के साथ बना ली, इसके बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। अब हम आएंगे 25वीं सिलाई पे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये बन के आ रहा है। अब हम 25वीं सिलाई पे आएंगे, तो यहाँ तक आएंगे सेम 25वीं सिलाई पे वाइट बनाएंगे, ब्लैक पे ब्लैक बनाएंगे, यानी कि 16 फंदे हम ब्लैक बनाएंगे 25वीं पे भी, ठीक है। जैसे हमने ये 24वीं सिलाई बनाई सेम 25 बनाएंगे। उसके बाद फिर हम 26वीं सिलाई पे आएंगे, सेम बनाएंगे वाइट पे वाइट ब्लैक पे ब्लैक, फिर 27, 28, ठीक है। मतलब टोटल एक सिलाई मैंने बना ली है, टोटल 5 सिलाइयां और, यानी कि 24वीं सिलाई मैंने बना ली, 25, 25, 26, 27, 28 और ये 29, ठीक है। टोटल 5 सिलाइयां मैं और बनाऊंगी, वो सॉरी 5 सिलाइयां मैं और बनाऊंगी, इस सिलाई को मिला के 6 सिलाइयां हो गई, ठीक है। तो मैं रो नंबर 24 मैंने बना ली है 14 फंदे ब्लैक, रो नंबर 25, फिर रो नंबर 26, रो नंबर 27, रो नंबर 28 एंड रो नंबर 29 तक मैं सेम बनाऊंगी, फिर 30वीं सिलाई में आपको बताऊंगी। तो अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये 29 लाइंस बना ली हैं। अब मैं यहाँ पे 30वीं सिलाई पर हूँ, 30th रो पे हूँ, देखिए 30वीं सिलाई पे हूँ और यहाँ तक बना के आ गई हूँ। अब अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग ये जो ब्लैक वाला फंदा है इस पे भी मैं इसको ले लूँगी, ठीक है। इसके बाद अब बाकी के फंदों को मैं ब्लैक धागे से ही बुनूंगी और एक फंदा इस साइड से कम करूँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और ये 14। अब ये जो ब्लैक वाला फंदा है इसको मैं वाइट कलर से बुनूंगी और बाकी के सभी फंदे भी वाइट कलर से ही बुनूंगी। ठीक है, ये हमारी 30 रो नंबर 30 है। ठीक है, अब देखिए ये हमारी रो नंबर 30 है। जिस तरह से ये हमने रो नंबर 30 निकाली, यानी कि चार जो 14 फंदे हैं ब्लैक से लिए, सेम रो 30 की तरह ही हम रो 31 और 32 बनाएंगे। 31 सीधी साइड से और 32 उल्टी साइड से। ठीक है, तो वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने रो नंबर 31 और 32 बना लिया। अब रो नंबर 33 पर हूँ मैं सीधी साइड से। देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से मैं एक फंदा और यहाँ पे कम करूँगी, इसको इधर से निकाल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, एक फंदा मैं इधर से कम करूँगी, इस पे वाइट वाले धागे से बुनूंगी 1। बाकी के सभी फंदे ऐसे ही बुनूंगी, बाकी के यहाँ तक वाइट से बुन लूंगी। इसके बाद ये हमारी रो 33 है और रो 34 भी मैं रो 33 की तरह ही निकालूंगी। ठीक है, बैक साइड से जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बनाएंगे, ब्लैक पे ब्लैक वाइट पे वाइट। अब देखिए मैं फ्रंट साइड पे हूँ और ये मेरी रो नंबर 35 है। ठीक है, हाँ 34 मैंने बना ली है, अब 35 है। तो देखिए यहाँ पे एक फंदा मैं और यहाँ पे कम कर दूंगी, मतलब कि वाइट से बुन लूंगी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये फंदा मैं वाइट वाइट से बनाऊंगी। इसके बाद ये पूरी सिलाई ऐसे ही बनाऊंगी, रो नंबर 35 ऐसे ही बनाऊंगी। देखिए मैं रो नंबर 36 पे आ गई हूँ रॉन्ग साइड से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक फंदा यहाँ पे हमें फिर से कम करना है। तो लास्ट रो में हमने 10 फंदे ब्लैक कलर से बनाए थे, अब हम 8 फंदे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम वाइट से बनाएंगे। सभी फंदों को वाइट से बना लेंगे। 37 पे हूँ। अब रो नंबर 37 में मैंने 36 में मैंने 8 फंदे बनाए थे ब्लैक से, अब मैं यहाँ पे 6 फंदे बनाऊंगी ब्लैक कलर से। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बाकी के सभी फंदों को मैं वाइट धागे से ही बनाऊंगी। अब देखिए मैं यहाँ पे रो नंबर 38 पर हूँ बैक साइड से। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो बनी का हेड है वो कंप्लीट हो गया है। सिर्फ अब हम देखिए बनी के ईयर बनाएंगे। यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ तक हमने बना के कंप्लीट कर लिया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 37 रोज में ये इतना पैटर्न हमने बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम बनी के ये वाले कान बनाएंगे। ठीक है, ये वाला एरिया। अब देखिए मैं रॉन्ग साइड से हूँ 38 रो पे। अब देखिए इस तरह से ये वाली लाइन हम बनाएंगे, 3 फंदे ये और 3 फंदे इधर से लेंगे। ठीक है, देखिए 38 रो है।
अब देखिए ये जो व्हाइट फंदा है इसको हम अब ब्लैक बना लेंगे। टू और ये थ्री, ठीक है, तीन फंदे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दो फंदे हम वाइट से बना लेंगे, ठीक है। अब बाकी के तीन फंदे हम ब्लैक से, वन टू थ्री, ठीक है। अगेन हम पूरी सिलाई इसी तरह से बना लेंगे। देखिए रो नंबर 39 पे आ गई हूँ मैं। अब ये जो दो फंदे वाइट से हैं ये मैं ब्लैक से बनाऊंगी, वन टू थ्री फोर फाइव, अब वाइट फंदे वाइट से बनाऊंगी, वन टू। वन टू थ्री फोर और ये फाइव, ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। बाकी के फंदे वाइट बनाएंगे। अब देखिए रो नंबर 40 पे हूँ मैं, लास्ट रॉन्ग साइड से। रो नंबर 39 में हमने ये पांच फंदे ब्लैक से बुने थे साइडों से, अब हम छह फंदे बुनेंगे। देखिए वन टू थ्री, वाइट को मैं थोड़ा इधर ले आऊँगी, फोर फाइव सिक्स, वन टू, अगेन ब्लैक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। अब पूरी सिलाई को मैं बाकी के सभी फंदे में वाइट से बुन लूँगी, क्योंकि ये मेरे डिज़ाइन के बाहर के फंदे हैं। अब देखिए रो नंबर 41 पे हूँ मैं। देखिए एक फंदा हम यहाँ से ब्लैक बुनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक फंदा हमने यहाँ से ब्लैक बुना और एक फंदा यहाँ से वाइट बुन लेंगे, ये वाला, वन टू थ्री, ओके। एक फंदा हमने यहाँ पे कम किया, एक यहाँ कम करेंगे, फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बाकी के फंदों को सीधा सफेद बुन दूंगी, व्हाइट कलर से बुन दूंगी, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दो रो के बारे में मैं बता दूँ। ये रो नंबर 41 है हमारी, 41वीं सिलाई है। अब हमारी जो 42वीं सिलाई उल्टी तरफ से आएगी और यहाँ से 43 रो 43वीं सिलाई, वो हमें कैसे बनानी है ध्यान से देख लीजिए आप एक बार। देखिए यहाँ पे मैंने ये, मैं 42वीं सिलाई के बारे में बता रही हूँ, 42 रो। ये देखिए जो हमने ब्लैक फंदे बुने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर हम सेम इसी के ऊपर बनाएंगे, ठीक है, सिक्स फंदे हैं तो सिक्स ही बनाएंगे, लेकिन और बीच में जो हमने चार फंदे लिए हैं वो चार ही रहेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ब्लैक से बनाएंगे, लेकिन जब हम यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे ना, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आएंगे और यहाँ से यहाँ तक, एक फंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे, है ना,
एक इधर एक्स्ट्रा और एक ये एक्स्ट्रा, यानी कि छः। अब हम नेक्स्ट रो में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला फंदा हम जो है ब्लैक बुनेंगे। इधर से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला ब्लैक से बुनेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट रो में आएंगे, यहाँ अंदर की साइड के जो फंदे हैं अंदर की साइड सेम रहेंगे, बीच के वाइट फंदे जो चार चल रहे हैं वो सेम रहेंगे 43 रो में भी। एक फंदा हम फिर से यहाँ एक्स्ट्रा बुन देंगे, ये हमने ब्लैक से बुन दिया हमने नेक्स्ट रो में, फिर ये भी बुन देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 फंदे यहाँ ब्लैक हो जाएंगे, 8 यहाँ ब्लैक हो जाएंगे। तो मैं इसको रो 43 तक कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मैं इस तरह से बनाते हुए रो नंबर 49 पे आ गई हूँ, वो सॉरी 40 सॉरी रो नंबर 44 पे आ गई हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ बीच में चार चार फंदे छोड़ते हुए, ये देखिए, और एक एक फंदा यहाँ बढ़ाते हुए दो लाइंस बना ली। अब मैं यहाँ रो नंबर 44 पर हूँ, देखिएगा यहाँ पे क्या करना है रो नंबर 44 पे, ठीक है। एक फंदा मुझे यहाँ से ब्लैक बुनना है, यानी कि इधर बढ़ाना है, ठीक है, और इधर से एक कम करना है, यानी कि बीच में मैं वाइट फंदे, ये देखिए इस तरह से इसको हम इधर दबाते हुए चलेंगे, इधर कम करना है, ठीक है। तो टोटल इस सिलाई पे 2 4 6 8 फंदे बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वाइट फंदा बना लूँगी, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब बाकी के फंदे में वाइट बना लूंगी, ये मेरी रो नंबर 44 है। और रो नंबर 45 देखिए किस तरह से बनानी है, समझ लीजिएगा पहले आप। जिस तरह से हमने अभी बीच में दो रो बनाई थी सेम वैसे ही बनानी है, बस थोड़ा सा वही साइडों से, क्योंकि अब हम यहाँ पे देखिए मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, इस तरह से कान बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस तरफ से तो एक एक फंदा हमारा बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है, बाहर की साइड दोनों तरफ। अंदर की साइड हमारा दो सिलाइयों के बाद एक एक फंदा कम होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब मैं यहाँ पर रो नंबर 45 पे हूँ, तो देखिए क्या करूँगी, अब की बार ये जो फंदा है मैं इस पर ब्लैक बुनूंगी, इसको ब्लैक बुनूंगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको भी ब्लैक बुनूंगी, ठीक है। 9 फंदे यहाँ पे मैं काले बुनूंगी, 6 फंदे ये वाइट बुनूंगी, उसके बाद 2 4 6 8 और 1 9 इसको भी मैं ब्लैक बुनूंगी, ठीक है। अब देखिए रो नंबर 45 पे आ गई, तो इसको मैंने बताया था अभी आपको सेम वैसे ही बनाएंगे। इस फंदे को मैं इधर बढ़ाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब वाइट के ऊपर वाइट, वन टू थ्री, ब्लैक को इधर लेके आएंगे, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। एक्चुअली ये मैं इसलिए कर रही हूँ, यहाँ पे ये जो गैप है यहाँ पे एक झोल ना आए, इसलिए साथ ही साथ इसको चला रही हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी,
सॉरी फ्रेंड्स, ये ब्लैक से बनेगा। मुझे ना ये बस धागे को ऊपर लाना था, लेकिन मैं आपसे बात करते समय भूल गई। 1 2 अब देखिए एक यहाँ बढ़ा देंगे, 9 फंदे आ गए, 2 4 6 8 और 1 9, सभी फंदे वाइट से बना लेंगे। अब देखिए रो नंबर 46 पर हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए ये फंदा मैं ब्लैक से लूँगी जो वाइट वाला है। उसके बाद देखिए 1 2 3, फोर फाइव सिक्स, देखिए 2 4 6 7 8 और ये 9। यहाँ एक बढ़ाया, यहाँ एक कम किया, ठीक है, क्योंकि बीच में अब हम 8 फंदे वाइट के बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4, फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 फाइव सिक्स सेवन एट और ये 9। बाकी के सभी फंदे वाइट से बुनेंगे, 1 2 3, इसी तरह से वाइट से बना लेंगे। अब देखिए ये रो नंबर 46 हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ 47 और 48 कैसे बनानी है, ठीक है, समझिएगा। बीच में हमने यहाँ पे 47 रो है, सीधी साइड से मैं बता रही हूँ आपको। ये फंदा हमने, मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए, ये वाला सॉरी, इसको हमने ब्लैक से बुनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 फंदे बुनने हैं एंड 10, ठीक है। देखिए 47 रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अंदर से ब्लैक पे ब्लैक बुननी है, मतलब वाइट जितने भी हैं 47 रो में वाइट ही बुननी है, ठीक है। 8 फंदे हैं वाइट, 2 4 6 8, 47 रो में सफ़ेद फंदे 8 बुनने हैं, और 49th रो जो है वो सॉरी 48 रो में भी सेम बुनना है। यहाँ से बस करना क्या है, आपने एक फंदा इधर से बढ़ाना है, एक फंदा इधर से बढ़ाना है, अभी 47 में, और फिर 49 48 जो रुआ ये रॉन्ग साइड से, उसमें भी एक ये वाला फंदा बढ़ा देना है और एक ये वाला, है ना। तो पहले मैं इतना कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ रो 47 वाली, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। देखिए इस तरह से अब इसको मैं ब्लैक बनाऊंगी, 1 2 3 4 फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये 10, ठीक है। वाइट को वाइट से बनाएंगे, 1 2 3 4, ब्लैक को इधर लेकर आएंगे, 1 2 3 4, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, वन टू थ्री। अब देखिए 2 4 6 8 10, ठीक है। अब सभी फंदों को मैं इसी तरह से बना लूँगी। अब देखिए 48 रो कैसे बनानी है।
48 रो सेम ऐसी बनानी है, ब्लैक पे ब्लैक व्हाइट पे व्हाइट, ब्लैक पे ब्लैक बनाएंगे और व्हाइट पे व्हाइट पीछे वाली रो, ठीक है। अब देखिए मैं फ्रंट साइड से हूँ रो नंबर 49 पे, तो देखिए एक फंदा हम यहाँ से ब्लैक वाला बना लेंगे इस तरह से, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 फंदे हमने ये ब्लैक से बनाए। अब हम यहाँ पे ये वाइट से बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। अब देखिए 2 4 6 8 10 फंदे हमने यहाँ इस रो में वाइट से बनाए। अब देखिए 1 2 3 इस धागे को, 1 2 3 4, ये देखिए कैसी उलझन बन जाती है यहाँ पे। वन टू थ्री, ठीक है। अब बाकी के सभी फंदे में वाइट बना लूंगी, 1 इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे रो नंबर 50 जो आएगी वो सेम आएगी, ब्लैक पे ब्लैक और वाइट पे वाइट, जैसे हमने रो नंबर 49 बनाई है। अब देखिए रो नंबर 51 पे हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं एक ये फंदा ब्लैक ले लूँगी, एक फंदा यहाँ ये हम वाइट से बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 और एक ये 12, ठीक है। अब ये हम ब्लैक से बनाएंगे, वन टू थ्री, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और एक इधर एक्स्ट्रा 10, देखिए 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे, ठीक है ये हमारी 51 रो थी। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए करना क्या है, जैसे हमने ये 51 रो निकाली है वैसे ही हम सेम ब्लैक पे ब्लैक व्हाइट पे व्हाइट 52 रो बनाएंगे। उसके बाद हम 53 बनाएंगे, 53 53 सिलाई बनाएंगे, उस पर भी हम ब्लैक पे ब्लैक और व्हाइट पे व्हाइट बनाएंगे। जैसे ही हमने ये 51 रो बनाई है सेम वैसे 52 और 53 हम बना लेंगे, ठीक है। दो लाइंस में और सेम बना लूँगी, फिर उसके बाद 54 पे बताऊँगी। अब देखिए मैं यहाँ पर रो नंबर 54 पर हूँ, तो देखिए 54 पे क्या करना है, उल्टी साइड से ब्लैक पे ब्लैक व्हाइट पे व्हाइट बनाऊंगी पहले मैं,
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, सॉरी 9 फंदे बनाऊंगी ब्लैक से और इसको मैं वाइट से बनाऊंगी। वन टू थ्री फोर फाइव सेवन, देखिए मेरा वाइट फंदे बना लिए। अब ब्लैक से बनाऊंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। बाकी के सभी फंदे वाइट से बना दूंगी। इसके बाद जो 55 रो आएगी मेरी इस साइड से, सेम मैं 54 की तरह बनाऊंगी। 55वीं सलाई मैं सेम 54 रो की तरह बनाऊंगी। मैं यहाँ से फ्रंट साइड से आऊंगी, ब्लैक पे ब्लैक और वाइट पे वाइट। यहाँ पे मैं अब 56 रो पे हूँ, 55 मैंने ऑफ कैमरा बनाई थी, 56 रो पे देखिए बैक साइड से हूँ। अब बैक यहाँ पे पीछे से देखिए जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। यहाँ पे हम एक फंदा वाइट बनाएंगे, 8 फंदे हम ये बनाएंगे ब्लैक से, उसके बाद वाइट यूज करेंगे। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और एक ये 16, ठीक है। इसके बाद अब हम इनको ब्लैक कलर से बनाएंगे बाकी के फंदों को। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। इसके बाद जो हमारा बेस कलर है उससे हम बाकी के सभी फंदे बना लेंगे। अब देखिए ये थी रो 56 और जैसे हमने ये 56 बनाई है सेम 57 बनाएंगे, यानी कि ब्लैक पे ब्लैक और वाइट पे वाइट। अब देखिए रो 57 बनाने के बाद मैं रो 58 पर हूँ रॉन्ग साइड से, तो देखिए अब क्या करेंगे। वाइट को हम वाइट से बुनेंगे, एक ये जो ब्लैक है इसको भी हम वाइट से बुनेंगे, ठीक है। अब ब्लैक यूज करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक इधर से कम करेंगे एक इधर से, इसे भी अब हम वाइट से बुन लेंगे। बाकी के बीच के सभी फंदे वाइट कलर से बुनेंगे। इसे भी हम वाइट कलर से बुनेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब इस बाकी के फंदों को वाइट कलर से बनाएंगे। अब देखिए ये रो नंबर हमारी 58 है, अब 59 पे आते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे फ्रंट साइड से हूँ और ये बनी बन के देखिए कुछ इस तरह से लग रहा है जी, देखिए। और मेरी ये रो नंबर 59 है और ये मेरे पैटर्न की लास्ट रो है, ठीक है, आखिरी रो है ये मेरे पैटर्न की। अब देखिए इसमें ये वाइट से बुनते हुए आएंगे हम, एक फंदा हम यहाँ पे वाइट से बुनेंगे ये ब्लैक वाला। अब वन
टू थ्री, तीन फंदे ब्लैक से बुनेंगे, बाकी के हम सभी फंदे वाइट से बनाएंगे। देखिए इस तरह से, वन टू, लास्ट रो ये हमारी। और इस पैटर्न को और इसको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बीच बीच में जो गैप दे देती हूँ मैं, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक दो सिलाई जो सेम होती हैं तो वो थोड़ा सा मैं बार बार नहीं बता सकती हूँ एक ही चीज़ बार बार। यहाँ पे देखिए, दो फंदे वाइट, उसके बाद ब्लैक कलर से धागा एक्सचेंज करेंगे। कहाँ गया ब्लैक कलर? यस, ये रहा। वन टू थ्री, तीन फंदे ब्लैक, बाकी के सभी फंदे हम वाइट बना लेंगे। ये देखिए मेरे पैटर्न की लास्ट रो थी, सभी धागे हम कट कर देंगे। तो अब मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। दो सिलाइयाँ और बना लूँ, सादा बनाएंगे। अब मेरा जो बेस कलर है वो बनाऊंगी, ब्लैक कलर में हटा दूंगी, बिल्कुल बंद कर दूंगी, ब्लैक कलर का कोई काम नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ आपको। अब देखिए रॉन्ग साइड से हूँ, रो नंबर 60 है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब मैं कोई डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ, हर फंदे को वाइट बनाती हुई जा रही हूँ। ब्लैक कलर का धागा ये देखिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया, यानी कि यहाँ पे हमारा पैटर्न जो है ख़त्म हो गया। आपका जो भी बेस कलर हो आप उसे यूज कर सकते हैं। देखिए हर फंदे को मैंने वाइट बनाते हुए इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आप यहाँ पे इसका फाइनल लुक देख लीजिए, और इसको थोड़ा सा और कंप्लीट करने के बाद, इसकी जो मैं डेकोरेशन बनाना चाहती हूँ वो डेकोर करने के बाद आपको इसका और फाइनल लुक दिखा दूंगी मैं। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये बनी बनने के बाद, देख सकते हैं आप। और अगर आपको इसका पैटर्न चाहिए फुल रिटिन में, जो मेरा स्क्रीनशॉट है वो मैं अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर दूंगी, तो आप मेरा वहां से आप देख सकते हैं, मेरे पेज पे जाइएगा, उसे फॉलो कीजिएगा, तो आप वहां पे मैं उसको शेयर कर दूंगी, ठीक है। और इसका भी फाइनल लुक मैं उसके साथ शेयर कर दूंगी, और पहले मैं इसको थोड़ा बना लेती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये रैबिट बनी बन के तैयार हो जाता है। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉम पॉम लगाएंगे। तो पॉम पॉम बनाना वैसे तो मैंने मेरे चैनल पे बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से बनाऊंगी। इस तरह से मैं थ्री फिंगर पे इस वाले पॉम पॉम को बनाने के लिए मैं यहाँ देखिए थ्री फिंगर से बनाऊंगी। इस तरह से लगाएंगे, और देखिए इस तरह से राउंड लगाएंगे हम। यहाँ पे जो मैंने राउंड लगाए थे उसकी क्लिप्स जो है मेरे से डिलीट हो गई है। अगर आपको पॉम्पॉम बनाना देखना है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, मैंने वहाँ पे सेपरेट पॉम्पॉम बनाना सिखाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर। ये बनी बन के तैयार हो गया है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा बनी बना है। मैं आपको और थोड़ा सा बैक
और देखिए यहाँ पे मैंने ये पॉम पॉम लगा दिया है एक ये बना के। और अगर आपने पॉम पॉम बनाना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे देखिए, मैंने इसके पॉम पॉम बनाने का तरीका बताया हुआ है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि पॉम पॉम किस तरह से बनाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा थ्री फिंगर वाला पॉम पॉम मैंने बनाया है, तो इस तरह से ये बनी बन के तैयार हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये बनी बनाने का तरीका कैसा लगा, और शेयर करें सभी के साथ। और मेरा जो दूसरा चैनल है क्रोचिट वाला, आप उसे भी एक बार विजिट जरूर करें, लिंक आपको मेरे सभी चैनलों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।